अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज की जो वीडियो है, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने लास्ट ईयर डाली थी दो वीडियोस, तो आज इस साल की, आप लोगों को टाइटल से तो पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो। क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, लॉन सीजन आ रहा है, तो मेरे कपड़े जो है वो स्टिच होकर आए थे, तो मैंने सोचा कि बहुत सिंपल से डिज़ाइन है, ऐसे कोई शोशा मैंने ज़्यादा नहीं किया है, सिंपल लॉन के घर में पहनने वाले कपड़े हैं। अगर आपके कपड़ों में डिटेलिंग अच्छी हो, स्टिचिंग अच्छी हो, ऐसे डिज़ाइन अच्छे हों, तो पहनने में भी खुद को भी मज़ा आता है। तो विदाउट एनी फर्दर टॉकिंग और वक्त ज़ाय के बगैर, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। ओके जी, जो फर्स्ट ड्रेस है हमारे पास वो है लॉन का, ऑब्वियसली लॉन। अच्छा, और इस दफ़ा लकीली मुझे बहुत अच्छी पतली सॉफ्ट लॉन मिल गई है, जो कि गर्मियों में पहनने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि गर्मियों में जितनी पतली लॉन हो ना, उतना अच्छा लगता है। तो जी हाँ, फर्स्ट जो है मेरा ड्रेस है कुछ इस तरह से। अभी मैं आपको सिर्फ डिटेलिंग बता रही हूँ, फिर आपको मैं पूरा ड्रेस दिखाऊंगी हैंग करके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, सेव करना चाहो वीडियो तो सेव कर सकते हो, इट्स टोटली आप देख सकते हो। यहाँ पे गला जो है मैंने इस तरह रखा है, मुझे वी नेक्स ऐसा नहीं है कि बुरे लगते हैं, लेकिन अब मेरा उनसे दिल भर गया है, तो मैं और ज़्यादा बड़े गले मैं प्रेफर नहीं करती पहनना, तो मेरा गला आप लोग देख सकते हो। आप लोग अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही गले को आगे पीछे साइज में करा सकते हो। तो गला कुछ इस तरह से है, साइड में इसमें सेंटर में जो है मैंने ये वाले बटन्स लगवाए हैं, ठीक है, ये वाले बटन्स आजकल बहुत इन हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। सो दिस इज समथिंग जो एंड तक जो है इसके बटन्स लगे हुए हैं। स्लीव्स जो है मैंने बहुत सिंपल सी की है, और मुझे जो है आजकल फिटेड स्लीव्स का जो है ना शौक चढ़ा हुआ है, कि स्लीव्स थोड़ी फिटेड हों, अच्छी लगती हैं, और फुल यहाँ तक थ्री क्वार्टर स्लीव्स पहन ली, बहुत पहनी जब ट्रेंड था, जब फैशन था, लेकिन अब मैं उससे बोर हो चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैंने सारी स्लीव्स जो है ना यहाँ तक रखवाई हैं और टाइट रखवाई हैं। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सिलवाना चाहोगे वैसे स्लीव्स और बनाओगे, लेकिन क्रेडिट नहीं दोगे, इतना मुझे पता है। एनीवे, तो स्लीव्स इसकी बहुत सिंपल मैंने रखवाई हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो मैंने पाइपिंग करवाई, आई थिंक उसको पाइपिंग ही कहते हैं, मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं कपड़ों का, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, सो आई कैन ईजीली ओपन दैम, और इसके साथ आप वजू भी कर सकते हो, इतनी टाइट भी नहीं है कि ऊपर ही ना जाए, बस इतनी टाइट मैंने करवाई कि शेप अच्छी लगे। इसके साथ मैंने किए हैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट पैंट्स। पैंट्स मैंने सबकी सिंपल स्ट्रेट रखवाई हैं, क्योंकि मुझे सिंपल स्ट्रेट ही अच्छी लगती है, ज़्यादा शोशा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये बिल्कुल इसकी सिंपल स्ट्रेट पैंट्स हैं। और साथ में मुझे होता है कि ये वाला इलास्टिक हो और फ्रंट से जो है बेल्ट डलवाओ, इससे जो होती है ऑटोमेटिकली आपके ट्राउज़र की शेप बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये बेल्ट और ये आगे का जो ये है क्या कहते हैं बेल्ट, ये लाजमी होना चाहिए आपके ट्राउज़र में, इससे शेप जो है बहुत अच्छी आती है। तो अब चलिए आप इसको फुल इसकी डिटेल्स देख लीजिए, फुल लेंथ देख लीजिए, तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। सो जी ये है इस तरह से, इसका पैटर्न इस तरह से बना था कि मुझे कोट स्टाइल इसको बनाना पड़ा, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। इस सेंटर में जो है ना मैंने इसके इस तरह से बटन्स लगवा लिए, जो कि आजकल काफ़ी इन भी हैं, और इसका स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सॉरी आयरन नहीं है, क्योंकि अभी मौसम इस तरह से आया नहीं कि मैं आयरन करके रखूँ, मैं सबको इंशाल्लाह आयरन करके हैंग करके रखूँगी। और स्लीव्स जो है मैंने आपको जैसे बताया कि इस दफ़ा मैंने सबकी स्ट्रेट थोड़ी टाइट रखी हैं, क्योंकि थ्री क्वार्टर से मेरा जो है ना दिल भर चुका हुआ है। तो होपफुली आपको फर्स्ट ड्रेस पसंद आएगा और डिटेल्स पूरी क्लियर समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट ड्रेस है वो भी मैंने कुछ ना कुछ इसी तरह करवाया है, बस छोटी मोटी डिटेलिंग्स करके ना, तो क्योंकि घर के कपड़े हैं और मुझे छोटी मोटी डिटेलिंग्स ही उस पर अच्छी लगती हैं, मुझे ज़्यादा भरा हुआ कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये है इस तरह का कुछ बहुत सिंपल से है, मुझे ये वाला गला अच्छा लगता है, बैन भी नहीं होता, लेकिन इस तरह की शेप आती है। अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी गला, तो आपको पता चलेगा नीचे तक इसी तरह का सिंपल गला है, ठीक है, सिंपल ए लाइन शर्ट है। और स्लीव्स मैंने फिर इसकी फुल स्लीव्स कराई हैं, लेकिन इसकी स्लीव्स पे अगर आप लोगों ने देखा आजकल ये बड़ा इन है, तो मैंने ये बटन्स यहाँ पे रखवाए हैं, तो जब ये स्लीव्स टाइट होती हैं, फुल होती हैं ना इस बटन्स के साथ, तो बहुत स्टाइलिश लगता है। और अंदर जो है आप देख सकते हो इसकी ये वाली पाइपिंग हुई हुई है। तो इस ड्रेस में मैंने छोटी सी डिटेलिंग ये डलवाई है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी डिटेलिंग्स अच्छी लगती हैं।
और नीचे जो है वो यहाँ पे इसका पैच वर्क है, ठीक है। इसको भी आप फुल लेंथ में देखोगे। इसका ट्राउज़र, इसका बेसिकली ट्राउज़र नहीं है, इसकी है तंग पांचों वाली शलवार। हाँ जी, ये भी आजकल बहुत इन है तो मैंने ये वाली सिलवाई। आप देख सकते हो यहाँ पे बुकरम लगा होता है इन पैंचों में, ठीक है ना। इन पैंचों में बुकरम लगा हुआ है, तंग पैंचों वाली सलवार है, ऊपर से लूज होती है, आगे आते हुए वो थोड़ी सी नेरो हो जाती है, और साइड पे मैंने इसके लगवाए हैं ये वाले बटन्स, आप देख सकते हो। ये पहन के बहुत स्टाइलिश लगती है, बिलीव मी। जो स्पेशली अगर आपकी हाइट लंबी है और आप तब शलवार पहनो तो आप पे शलवार बहुत सूट करती है। और ये देखिए शलवार ऊपर से चौड़ी ब्रॉड होती है, नीचे आते आते वो तंग पैंचों वाली हो जाती है, और साथ में ये वाले बटन्स बहुत प्यारे लगते हैं। इसकी भी इलास्टिक वाली शलवार। तो अब इस ड्रेस को भी आप फुल लेंथ में डिटेल में देखते हैं। सो इसका गला इस तरह से है, ये ना बैन कॉलर होता है ना इस तरह से स्टिफ होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है पहन के। और साथ में जो है मैंने इसको एंड तक, आप देख सकते हो, ब्लैक पट्टी लेके गए हैं सेंटर तक। और स्लीव्स जो है मैंने इसकी कुछ इस तरह की सिलवाई हैं, टाइट फुल लेंथ स्लीव्स। और यहाँ पे मैंने देखिए ब्लैक बटन्स लगाए हैं, ये बटन्स बहुत अच्छे लगते हैं और आजकल काफ़ी इन भी हैं। ये इसकी फुल लेंथ है, ए लाइन शर्ट है। नीचे जो है यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से इसका पैच था वो लगा दिया है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। आप चाहो तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले ड्रेस लो। की तरफ चलते हैं, जो कि फिर अगेन उस पर हल्की फुल्की डिटेलिंग है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन डिटेलिंग हल्की फुल्की ही अच्छी लगती है। तो ये जी ड्रेस है, इस पर मैंने यहाँ पे, आपको पता होगा मुझे टेसल्स बहुत पसंद है, तो ये टेसल्स यहाँ पे यूँ लगवाए हैं, ठीक है। अब एक काम जो मैंने इसकी शर्ट पे किया है ना, एक तो मैंने इसकी स्लीव्स में हल्का हल्का फॉल डलवाया, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का फॉल डलवाया। आप दिखाती हूँ करीब से, ये ठीक है, ये हल्का हल्का फॉल मैंने डलवाया, ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी स्लीव्स पे मैंने क्या करवाया, इसकी स्लीव्स भी तंग हैं इस दफ़ा, मैंने सारी फुल स्लीव्स और थोड़ी टाइट स्लीव सिलवाई हैं, और एंड पे ना मैंने इसके सिर्फ एक बटन लगवाया। आप इसको खोल भी सकते हो, क्योंकि वजू वगैरह करने के लिए खोलना फिर बहुत टाइट हो जाता है, तो ये इस तरह से खुल जाती है। और ये आप देखो इसके लूप्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, और ये स्लीव्स पहन के ना बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं इसकी शर्ट पे दिखाती हूँ, इसकी शर्ट पे भी मैंने बहुत हल्की सी प्लेट्स डलवाई हैं, आपको पता नहीं यहाँ नज़र आ रही होगी कि नहीं, ये ठीक है ना, इस तरह की। अभी मैं फुल आपको करके दिखाती हूँ, फुल लेंथ दिखाती हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। और इसका ट्राउज़र भी जो है मैंने सिंपल स्ट्रेट ही सिलवाया है, ट्राउज़र सबके सिंपल एंड स्ट्रेट हैं। वो शलवार जो थी वो मैंने आपको दिखा दी है, तो अभी इसकी फुल लेंथ डिटेल्स पे चलते हैं। तो जी इसकी स्टिचिंग ऐसी है कि मैंने यहाँ पे टेसल्स लगवाए हैं, आप चाहो लगवाओ ना लगवाओ, इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लेट्स मैंने डलवाई हैं, बहुत हल्की सी प्लेट्स डलवाई हैं। जब आप टी शर्ट पहनते हो ना तो वो जो हल्की सी एक दो प्लेट्स की जो फॉल आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादा फॉल्स नहीं रखवाई इस वाली पे। और स्लीव्स पे भी देखिए मैंने हल्की हल्की चुनटे डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली। तो जो नेक्स्ट ड्रेस है वो जो है मेरे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रॉक, मैंने आपको बताया है हमेशा, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मुझे लॉन्ग फ्रॉक्स या शॉर्ट फ्रॉक या फॉल्स वाली फ्रॉक्स का बहुत शौक है, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने उसी तरह का स्टिच करवाया है, इस तरह का। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी फॉल्स डलवाई हैं, यहाँ पे फॉल्स डलवाई हैं मैंने। अभी फुल लेंथ में आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे फॉल्स डलवाई है। आगे जो है गला मैंने यूँ टेसल्स लगवा के ना, तो ये वाले बटन्स लगवाए हैं, और स्लीव्स जो है मैंने कुछ इस तरह से करवाई हैं, थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए इस तरह की फ्रिल वाली स्लीव्स लगवाई हैं, साथ में लेस लगवाई है। और ट्राउजर्स जो है इसके वैसे ही सिंपल स्ट्रेट ट्राउजर हैं। तो अब चलिए इसकी डिटेल लेंथ के ऊपर चलते। सो गले पे इसके आप देख सकते हैं मैंने एक एक बटन लगाया और एक एक टेसल लगवाया है। ये एक छोटू छोटू से क्यूट टेसल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में आप देख सकते हो सिर्फ फ्रंट बॉडी पे जो है मैंने इसकी फॉल्स डलवाई हैं, पूरी फ्रॉक में नहीं डलवाई, सिर्फ फ्रंट पे डलवाई है, उससे पूरी लुक फ्रॉक की आ जाती है। तो फॉल पहन के बहुत अच्छा लगता है। और स्लीव्स जो है मैंने थोड़ी सी इस तरह से लगवाई हैं मैंने। कि जो नेक्स्ट सूट है वो है बड़ा बड़ा ही कोई अच्छा सा सिंपल, और कलर बहुत ठंडा ठंडा है, ये पीची कलर, ठीक है। अब सीन क्या है, इसकी स्लीव्स भी मैंने इसी तरह लिखवाई हैं विद बटन, ठीक है।
स्लीव्स की, ये मैंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट रखवाए, ए लाइन रखवाए है। साथ में इसके यहाँ पे पैच है, एम्ब्रॉयडर्ड पैच, वो मैंने लगवा लिया है। और बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट शर्ट है। नीचे जो है इसकी मैंने इस तरह से पाइपिंग दिलवा दी है, तो थोड़ा फैंसी शेंसी लुक दे देगा। तो अब इसकी फुल लेंथ डिटेल्स पे चलते हैं। ये सूट मैंने सिंपल से ही रहने दिया क्योंकि ऑलरेडी इस पे पूरी शर्ट पे ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो सिर्फ मैंने एक आगे से ये शीशे वाली जो बेल होती है आजकल बहुत इन है ये पैच, तो वो लगवाया है। और स्लीव्स में देखिए मैंने एक एक छोटू सा बटन लगवाया है लूप के साथ, और कुछ नहीं। गला जो है मैंने इसका बोट नेक करवाया है। आज का हमारा लास्ट सूट, क्योंकि शायद ये मैं पार्ट वन रखूँ। वो सूट्स तो माशाल्लाह बहुत सिल कर आए हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है एकदम से, क्योंकि वीडियो फिल्म करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, तो इट टेक सो मच टाइम। तो इसको पार्ट वन रखते हैं, पार्ट टू इंशाल्लाह बहुत जल्दी कराऊंगी। आप लोगों का रिस्पॉन्स इस पर अच्छा आया, तो डेफिनेटली वी विल मेक पार्ट टू। ड्रेस जो है वो मैंने सिलवाया है शॉर्ट शर्ट विथ शलवार, बहुत अच्छी लगती है। अभी जो मैंने पहना हुआ है ये भी शॉर्ट शर्ट विथ शलवार है। तो जी उसको मैंने रखवाया है कुछ इस तरह से, ठीक है। बटन्स हैं साथ में, गला इस तरह रखवाया है। स्लीव्स क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी, तो मैंने इसकी स्लीव्स को जो है बेल बॉटम रखवाया है, क्योंकि अगर तंग रखती तो इसकी जो ये एम्ब्रॉयडरी है ना वो फिर कट जाती, तो वो अच्छी नहीं लगती। और साथ में इसके मैंने सिलवाई है शलवार, जी हाँ, प्लेन तंग पंचों वाली शलवार। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है प्लेन तंग पंचो वाली शलवार, जो ऊपर से नैरो है। चुन्नटे आप देख सकते हो इसमें, चुन्नटे इस तरह से आती है शलवार में, ठीक है ना। सामने बेल्ट होता है, पीछे इलास्टिक होता है, तो इससे शेप जो है वो बहुत तो अच्छी अब आ चलिए जाती है। इसकी इसकी फुल लेंथ डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। सो इस लुक में थोड़ा सा फैंसी टच था, तो इसीलिए मैंने ये आप देख सकते हैं शलवार का कपड़ा इस तरह से गले पे लगवा के, तो थोड़े से गोल्डन बटन्स का टच दिया ताकि थोड़ा फैंसी लुक रहे। और स्लीव्स मैंने बेल बॉटम लगवाई हैं क्योंकि स्लीव्स पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम था, अगर मैं सिंपल स्ट्रेट लगवाती तो काम कर जाता। और इसकी शर्ट जो है ना मैंने शॉर्ट सिलवाई है, क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने जैसे आपको बताया मैंने इसके साथ सिलवाई है शलवार, तो शलवार के साथ थोड़ी शॉर्ट शर्ट ही अच्छी लगती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो होपफुली आप लोगों को पार्ट वन ऑफ समर ड्रेस डिजाइनिंग पसंद आया हो, और अगर आपको वाकई पसंद आया हो तो इंगेज कीजिए वीडियो पे। इंगेज मीन्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको वाकई पार्ट वन पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो इस पर इंशाल्लाह पार्ट टू भी बनाएंगे। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। ये तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।